स्टैंडर्ड 7th है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है, चैप्टर 4 है राजपूत एज। आज इसका मैं कंपेयर द रूल्स बिटवीन द रूलर्स इन नॉर्थ इंडिया एंड दोज इन साउथ इंडिया, दोनों का डिफरेंस बिटवीन है जो आपको करवाऊंगी, जो आपको करना है। रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का 1 पॉइंट आएगा, रूलर्स ऑफ परमार सोलंकी चावड़ा एंड चौहान डायनेस्टीज रूल। नंबर 1 पॉइंट आएगा रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया का, तो रूलर्स ऑफ चालुक्या राष्ट्रकुता चोला चेर एंड पंड्या डायनेस्टीज रूल। नंबर 2 रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का आएगा, दे हैड टू कम इनटू फ्रिक्शंस विद द अर्ब्स, दे हैड टू बी एवर रेडी टू प्रिवेंट देयर इन्वेशंस। नंबर 2 पॉइंट आएगा रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया का, दे हैड टू फाइट अगेंस्ट ओवरसीज इन्वेडर्स एंड अगेंस्ट पिरेट्स, देयरफॉर दे हैड टू मेंटेन नवल आर्मी। नंबर 3 पॉइंट आएगा रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का, दे वेर एवर रेडी टू वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड रिसर्च। नंबर 3 पॉइंट आएगा रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया का, दे स्पेंड देयर वेल्थ इन रिलीजियस एक्ट्स एंड इन द रेजर ऑफ टेम्पल्स। नंबर 4 आएगा रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का, ओइंग टू इंटरनल डिस्कॉर्ड दे रिसोर्टेड टू बैटल्स वेरी ऑफ्टन, दे वेर वेनली प्राउड एंड देयरफॉर दे हैड फॉलन विक्टिम टू एक्सटर्नल इन्वेशंस। नंबर 4 आएगा रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया का, टू शो ऑफ दैट दे वेर सुप्रीम दे कैप इन्वेडिंग नेबरिंग स्टेट्स। अभी गिव रीज़न है जो आपको करवाती हूँ। नंबर 1 आउटसाइड इन्वेडर्स अटैक ड्यूरिंग राजपूत एज, आंसर आएगा ड्यूरिंग राजपूत एज देर वॉज ग्रेट स्प्लेंडर इन इंडिया, पीपल हैड बीन इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस बट देर वॉज नो यूनिटीज अमॉन्ग द किंग्स, दे कैप ऑन फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्स टू विन ओवर मोर प्रोविंस, ओइंग टू दिस वीकनेस ऑफ देयर्स आउटसाइड इन्वेडर्स अटैक इंडिया। नंबर 2 राजराज हैड द लैंड मेजर, आंसर आएगा राजराज आई लव हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच, इन हिज पीरियड अ स्ट्रॉन्ग नवल आर्मी हैड डेवलप, फॉरिजन ट्रेड हैड ब्लूम टू, ही हैड डिस्ट्रेलाइज पावर टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट, ही हैड द एंटायर लैंड ऑफ हिज स्टेट मेजर एंड लेवियर एंड रिवेन्यूज बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ दैट लैंड सो दैट पीपल वुड नॉट बी बर्नर्ड, दस ही हैड स्टार्टेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट नंबर 3 है इन द नाउ नॉर्थ इंडिया धारा नगरी एंड उज्जैन हैड बिकेम लर्निंग सेंटर्स, तो आंसर आएगा इन द नॉर्थ इंडिया टू ग्रेट किंग्स नेम मुंज एंड मिहिर भोज ऑफ परमार डायनेस्टी रूल, बोथ ऑफ देम वेरी एडमायर्स ऑफ लिटरेचर एजुकेशन एंड आर्ट, दे हैड फाउंडेड अ विद्यापीठ इन धारा नगरी, द कोर्ट ऑफ मिहिर भोज वॉज एडॉर्न्ड बाय द लर्न ही गेव टू ओल्ड एज रिवार्ड फॉर कंपोजिंग पोएम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, लिटरेचर ऑफ वेरी हाई लेवल वॉज कंपोज, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट धारा नगरी एंड उज्जैन हैव बीन ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है ब्रीफली आंसर है व्हाई इज एनी वन सिटी इज प्रिफर्ड एज द कैपिटल, तो आंसर रहेगा देयर इज ओनली वन हेड क्वार्टर ऑफ एनी स्टेट मोस्टली इज इट इज नोन एज द कैपिटल, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज रन फ्रॉम द कैपिटल, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज आर लोकेटेड इन द कैपिटल, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो लोकेटेड इन द कैपिटल इन गुजरात, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन गांधीनगर, थ्रू सेक्रेटेरिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर स्टेट इज डन। नंबर 2 व्हाई वुड अ स्टेटमेंट बी ओपन अप आफ्टर एक्सकेवेशन, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्चेस आउट एंशियंट आर्किटेक्चर व्हिच मेंशंस वी फाइंड इन हिस्ट्री, इन व्यू ऑफ आर्किटेक्चर स्टेपल इज एन इम्पोर्टेंट एविडेंस,
Owing to natural disasters like earthquake, many stepwells must have been buried or broken. If this kind of information is availed by the archaeology department from any source, they start excavation work in a scientific way. Then they keep it open for public as ancient heritage and protect it. Such places have a help join a link of history. नंबर अभी नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. हाउ डिड न्यू डायनेस्टी अराइज. आंसर आएगा आफ्टर द डेथ एम्परर हर्षा द फेडरल लॉर्ड्स कमांडर्स हु वर्क एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम टर्न आउट टू बी रूल्स द न्यू डायनेस्टीज केम इनटू एक्जिस्टेंस. Number 2, which different dynasty arose after Emperor Harsha in the North India? After Emperor Harsha in the North India, dynasties like Gurjar, Pratihar, Pal, Chalukya, Parmar and Chauhan came into existence. Next, number 3, which different dynasty arose after Emperor Harsha in the South India? Answer aega after Emperor Harsha in the South India. Dynasties लाइक पल्लवा, राष्ट्रकूटा, चालुक्या, कल्याणी, चेर, चोला एंड पंड्या डायनेस्टीज एरोज. नेक्स्ट नंबर 4 है इन विच टू पार्ट्स आर द रूलर्स ऑफ प्री मेडिवल एज और स्प्लिट. द रूलर्स ऑफ प्री मेडिवल एज आर स्प्लिट इनटू दिस टू पार्ट्स. नंबर 1, रूलर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड नंबर 2, रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया. नंबर 5, विच वेर द चीफ टाउन्स ऑफ मालवा. आंसर आएगा उज्जैन एंड धारा नगरी वेर द टू मेन टाउन्स ऑफ मालवा. नंबर 2 है, नंबर 6 है, वेर इज धारा नगरी प्रेजेंटली. तो प्रेजेंटली धारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज धारा नगरी. नंबर 7, विच टाउन वॉज मेड अ सेंटर फॉर लर्निंग बाय किंग बो. द किंग बो हैड मेड धारा नगरी अ लर्निंग सेंटर. नंबर 8, What arrangement had Rajraj I made for the administration of his state? The answer आएगा Rajraj I had the land measure and had started local self-government. अभी fill in the blanks है. Number 1, the period between 8th and 12th century is called the pre-medieval. Number 2, after Harsha blank is considered to be a powerful ruler of Nose. The answer आएगा Yashovarma. Number 3, after the period of Vashavarma, the rule of blank was established in Khnoz. The answer aega Pratihar. Number 4, during his rule, King Mihirboj had to keep fighting with blank. The answer aega Rashtrakutas. Number 5, in Chauhan dynasty, blank was a powerful ruler. The answer aega Prithviraj. Number 6, after the death of Pulkeshi II, blank dynasty was split into smaller branches. The answer aega Chalukya. Number 7, among the kings of Palwa dynasty, blank is considered to be a powerful ruler. The answer aega Narsi Varma.
Number 8, the capital of the rule of Chola dynasty was blank in south. The answer, Tanjore. Number 9, Ajay Raj Shakambari had established town. So, kya aega? Ajay Meru. The capital, Delhi of Tomar is presently known as blank. Answer aega, Delhi. Number 11, in his famous epic blank, Chand Bardai, a renowned report has narrated the heroic story of Prithviraj Chauhan. To answer aega aapka Prithviraj Raso. Number 12 hai, it is considered that the founder of Sisodia Rajput dynasty was. The blank aapka aega Bappa Rawal. Number 13 है, during Rajput age, the rulers of blank dynasty ruled in the surrounding province of Jabalpur. तो आंसर आएगा छेड़ी. Number 14, after the fall of Chalukya dynasty took over the rule. तो आंसर आएगा राष्ट्रपुता. Number 15, a foreign traveler named blank has written that in Pandya dynasty women ruled. तो आंसर आएगा Magisthanis. Number 16, or last within the blanks, in the stone inscription of Ashoka we find the mention of dynasty. So blank mein kya aega? In the stone inscription of Ashoka we find the mention of Pandya dynasty. Blank mein likhna hai Pandya. Ye aapke fill in the blanks ho gaye. Next video mein iske main the following karwaungi, ye aapko classwork ki book mein aur homework ki book mein likhna hai aur ise learn bhi karna hai. Thank you.